इस वीडियो में बात करेंगे एप्पल के हवाले से। एप्पल के मुतालिक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि आईफोन अपनी 50% प्रोडक्शन चाइना से उठाकर इंडिया में लेकर जाएगा। और ये कब होगा, यहाँ पर कौन से मॉडल हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर देखने को मिलेंगे, तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कम्प्लीट वॉच कर लेनी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, हम सभी जानते हैं कि चाइना में लॉकडाउन हो गया, फिर दोबारा कोविड की काफ़ी बुरी सिचुएशन चल रही है चाइना के अंदर, ठीक है। इस वजह से भी, और जब पहली वेव आई थी कोविड-19 की, उसकी वजह से भी हम सभी जानते हैं एप्पल की सेल काफ़ी मुतासिर हुई थी। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे इसके, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल काफ़ी शॉर्ट हुआ हुआ था चाइना के अंदर। चाइना बंद पड़ा था और पूरी दुनिया भी बंद पड़ी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से एप्पल ने डिसाइड किया है ये वियतनाम के ऊपर लेकर जा रहे हैं इसकी प्रोडक्शन और इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम बताता चलूँ आपको, 2027 के अंदर, यहाँ पर मैं बताता चलूँ 2027 में अपने ऑल आईफोन्स ये 50% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ले जाएंगे। ओके, मतलब ऑल आईफोन्स, इसके मिड रेंज बजट स्मार्टफोन सब सब चाइना से उठाकर ये 50% प्रोडक्शन अपनी ले जाएंगे इंडिया के अंदर। ओके, और जहाँ तक बात कर लें कब होगा, देखने ये कहा जा रहा है कि ये 2027 तक हो सकता है, और 2025 में ये अप टू 25% इसकी प्रोडक्शन चली जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2027 अभी कोई ज़्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट 4 साल रह गए हैं, तो काफ़ी जल्दी करेगा एप्पल यहाँ पर इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो 50% यहाँ पर प्रोडक्शन लेकर जाएगा इंडिया के अंदर। लेट्स सी के कैसे आईफोन्स देखने को मिलते हैं हमें। और जहाँ तक बात कर लें वियतनाम की, तो वियतनाम में भी प्रोडक्शन कुछ लेकर जाएगा आईफोन। मेरे ख्याल से इन्होंने वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, तो यहाँ पर वियतनाम में भी काफ़ी सारी प्रोडक्शन होगी और इंडिया में भी होगी। जो 50% वाला नंबर है ये फिलहाल कुछ 100% कंफर्म नहीं है, हो सकता है 30% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, और हो सकता है 50% भी प्रोडक्शन चली जाए इसकी इंडिया के अंदर। ओके, तो इंडिया वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, वहाँ पर उन्हें सस्ते आईफोन्स मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते तो नहीं, क्योंकि इंडिया में बनेंगे तो पूरी दुनिया से थोड़े सस्ते मिल जाएंगे इंडिया वालों को, ठीक है आईफोन्स। और जहाँ तक बात कर लें इसकी कुछ मजीद, कि आईफोन का वो कौन सा मॉडल होगा जो हमें इंडियन मैन्युफैक्चर मिलेगा। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टोटल टोटल आईफोन जितने भी आईफोन्स हैं वो सब, चाहे वो बजट आईफोन हो, मतलब आईफोन ऐसी, चाहे वो उनका फ्लैगशिप मैक्स आईफोन हो या अल्ट्रा आईफोन जो भी आने वाले फ्यूचर के अंदर, वो सब इंडिया के अंदर बनेंगे। और ये नहीं कि 1 साल पुराने वाले आईफोन इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, जो कि लेटेस्ट रिलीज होने वाले होंगे आईफोन्स वो भी इंडिया के अंदर बनेंगे। ओके, और जहाँ तक बात करें कि चाइना का क्या होगा, क्या 100% प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया इंडिया में लेकर जाएगा, मेरे नहीं ख्याल से एप्पल वाले इंडिया में लेकर जाएंगे 100% प्रोडक्शन। वो चाइना में भी रखेंगे, वियतनाम में भी रखेंगे और इंडिया में भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक मुल्क के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक मुल्क के साथ कोई लॉकडाउन या वगैरह कोई और सिचुएशन होती है, तो इस वजह से एप्पल की सेल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो 3-4 मुल्कों के अंदर अपनी प्रोडक्शन रखेंगे, ताकि वो एक वक्त में किसी और मुल्क से ले सके, दूसरे वक्त में किसी और से ले सके। ओके, आई होप सो समझ आ गई होगी वीडियो। वीडियो के मुताबिक कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछ ले, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।